आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। बाद में नवाबगंज थाना क्षेत्र के हेकड़गंज गौशाला में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने निरीक्षण कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खेतों के सूखे पाए जाने पर प्रधान ने जिलाधिकारी को गांव में बिजली की समस्या से अवगत कराया, जिससे गांव में सही से बिजली न आने की समस्या पर जिलाधिकारी ने जोर देते हुए बिजली विभाग से बात कर समस्या का निस्तारण करने की बात कही। आइए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। फरकाबाद में जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने नवाबगंज गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें जिला अधिकारी ने जब गौशाला के बाहर का निरीक्षण किया तो देखा कि जो गौशाला के लिए खेत में चारा उगाया गया था वहां पानी ना लगाने के कारण हरा चारा सूख चुका है। यही सूखा चारा जानवरों को खिलाने की जानकारी जब जिला अधिकारी को मिली तो ये सब देखकर प्रधानपति दुर्गेश कुमार व सचिव को जमकर फटकार लगाई गई और कहा गया कि इस सूखे चारे में पानी लगाया जाए जिससे कि चारा हरा रह सके। वहीं डीएम ने पूरे गौशाला के खेतों का तपती धूप में निरीक्षण किया और प्रधान ने बिजली न आने की समस्या पर जोर डालते हुए जिला अधिकारी को इसकी सूचना दी। डीएम मानवेंद्र सिंह ने तत्काल बिजली सही कराने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी से बात की। जिला अधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस गौशाला में 1000 गाय रखी जाए, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी सहित सीडीओ राजेंद्र पैसिया, डीपीआरओ अमित त्यागी, एसडीएम लेखपाल ज्योति शर्मा, सचिव ओंकार नवाबगंज, थाना अध्यक्ष आर के शर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। फरुखाबाद से हरप्रभात सिंह की रिपोर्ट। स्कीम से पैसा निकालकर और यहां पर जो लैंड है करीब 40 हेक्टेयर से अधिक लैंड है उसका समतलीकरण करा के और चारे की व्यवस्था करवाएंगे जिससे कि गोवंश को ऐसे ही चराया जा सके उनमें, और यहाँ की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हम लोग काम करेंगे। ये गोवंश आश्रय स्थल जो दूसरे गोवंश आश्रय स्थलों से थोड़ा अलग होगा, इसको एक संस्था चलाएगी और एक पंजीकरण